सरकारी क्वार्टर जैसे यहाँ पे उछलेगा उसी दे। हमारे सर ने यहाँ पे डीजे बजाया था, अभी जो डीजे बज रहा था बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, मजा तो काफी आ रहा है चलाने में घोड़ा। तो आप सभी को नमस्कार स्विच स्माइल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 15 अप्रैल और मैं अभी आ रखा हूँ दिल्ली, और दिल्ली में मैं हूँ अभी वसुंधरा में, और ये पीछे मेरी गाड़ी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा रखी है वसुंधरा की एक कॉलोनी में। कॉलोनी का नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर देख सकते हैं आप, ये क्वार्टर है और सारे के सारे लगभग सेम ही दिखने में क्वार्टर हैं। और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में एक इवेंट है MIT यूनिवर्सिटी में। तो गाड़ी से थोड़ा सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे साथ दो लोग और जा रहे हैं, विकास रावत भाई और आशु भाई। तो हम विकास भाई की गाड़ी से जा रहे हैं और मेरी गाड़ी मैंने यहीं पर पार्क कर दी है। और कल शादी का समापन करके मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गया था, और तब से मेरे को इतनी थकान लग रही है ना, अलग ही तरीके की थकान है, पता नहीं भाई, मतलब ऐसे नहीं है कि नींद आ रही है, पर बस थकान लगने में लगी हुई है। ऐसा मन कर रहा है कि एक या डेढ़ दिन तो मतलब कुछ काम ना करूं, बस लेटा रहूं, पर अब काम भी करना ही है थोड़ा थोड़ा। चलो चले भैया, विकास भाई रेडी हो चुके हैं, विकास भाई के बड़े भाई शैलेश भाई रेडी हो चुके हैं, अरे पीछे कहाँ हैं आशु भाई भी रेडी हो चुका है फ्लोरल टी शर्ट में, क्या बात है, हल्का सा टमी लेके। चलो फिर कौन से रास्ते जाना है हम जयपुर, किस किस रास्ते जाएंगे, एक ही रास्ता है या दो तीन रास्ते हैं? नहीं नहीं एक रास्ता डेली टू जयपुर, गुड़गांव से होते हुए सीधा निकल जाएंगे, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना रास्ते में। ठीक है दोस्तों, जिस ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार था वो यही ब्रेकिंग न्यूज थी कि MIT यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा फेस्ट है उसमें हम तीनों को ऐसा कंटेंट, पहाड़ी कंटेंट क्रिएटर बुलाए गए, क्या बात है, इसमें इनका बहुत योगदान है ना, बड़ी गुड न्यूज के वजह से। और मैं एज ए सपोर्टर जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, हम तीनों के मैनेजर। तो कितने घंटे लगते हैं यहाँ से? यार अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे, वैसे 3.5 घंटे लगते हैं, बट ब्रेक लगा लुगा के लग जाएंगे 4.5 घंटे। चलो ठीक है, बाकी देखते हैं कितना तेल लगता है इसमें अभी यहाँ से दिल्ली से जयपुर आने में। दिल्ली भी नहीं, अभी हम गाजियाबाद है। तो भाई 2 घंटा लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। कौन सी जगह है ये? ये होटल हाईवे किंग, जो कि सारे हाईवे में पड़ती है। भाई बहुत अच्छा खाना था यहाँ पे, मजा आ गया। मैंने डोसा खाया, इन लोगों ने पराठे खाए। सबको बताया आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पहले लोग पता है पहले लोग ऐसे पूछते क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, अब लोग बोल रहे भाई एंगल ढंग से नहीं बन रहा आपका, थोड़ा ऊपर करो, पूरा नहीं आ रहा भाई आपका। अभी वो भैया ये बोल के थोड़ा ऊपर करो अपना जरा। तो जब भी दिल्ली से जयपुर जा रहे हो ना, ये हाईवे किंग में ही खाना और कहीं मत खाना, क्योंकि बहुत अच्छा खाना था और रीजनेबल था प्राइस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली टू जयपुर में रहता है, किसी भी हाईवे में आप देखोगे तो आपको इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। क्यों दिल्ली टू देहरादून तो नहीं मिला मेरे को कहीं? नहीं है देहरादून में, नहीं है। तभी तो बोल रहा हूँ। बाकी पराठों के साथ ये मिर्च का अचार आया था बहुत टेस्टी, तो इन्होंने खाया नहीं तो मैंने ये टिश्यू में लपेट के ले आया हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ना। और साथ में सुबह 6 बजे निकल गए थे हम दिल्ली से और 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। अभी कितना और बचा है? थैंक यू बोल, 2 घंटा टाइम पे उठा दिया। और थैंक यू की बात है, मैं भी तो गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को तो कभी थैंक यू बोला नहीं तुमने, मेरी बात है, मेरे को कभी बोला नहीं है, बात ड्राइविंग की नहीं है, बात टाइम की है, टाइम पे चलोगे सब चीजें हो जाएंगी टाइम। अरे भूर है तेरी। और साथ में व्लॉग भी एडिट नहीं किया मैंने, कल रात को इतनी नींद आ रही थी, मैंने बोला रात को कर दूंगा, थोड़ा सा किया फिर नींद आ गई, फिर सुबह इन्होंने 5 बजे उठा दिया, सीधा निकल गए हम। अब सोच रहा हूँ वही जयपुर जाके करूंगा एडिट। ये पराठे मत खाया करो, मत खाया करो भाई, इतनी गंदी स्मेल। अपने तो खाए पराठे, दूसरे के भी खाए वही। और पता है किसकी वजह से हुआ ये जो आपने अदरक वाली चाय पी थी ना, और साथ में आपने लस्सी पी ली थी, ये कम्बाइन होके निकली अभी बाहर। ओह सेप्टिक टैंक, दवाई खानी पड़ रही है। तो अभी ठीक 12 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं MIT यूनिवर्सिटी, मतलब अभी एंटर नहीं किए हैं, बस पहुंचे गए हैं। तो 6 बजे से निकले हुए, अब हम 12 बजे पहुंचे हैं, तो समझ देख लो आपके ड्राइवर कितना तगड़ा है हमारा। थैंक यू।
पूरे 6 घंटे लगा दिए हमें दिल्ली से जयपुर पहुंचाने में। ट्रैफिक की तो बात नहीं करी है, ट्रैफिक में तो दिखा नहीं गए ट्रैफिक। तो आप सो रहे थे ना सर? आप सो रहे थे? पता नहीं कौन सा ट्रैफिक था, इतना 6 लेन हाईवे में भी ट्रैफिक लग रहा है। जानते हो भैया आपने? जानते हो? जान तो लिया आपने। भैया आप तो हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। इवेंट के लिए आए थे ना, पुनीत से बात हुई होगी। आप स्टूडेंट? नहीं, पहले मैं यहीं पे था। पास आउट हो गए? नहीं नहीं, मैंने 2 साल यहाँ पे था मार्केटिंग में, अभी 2 महीने छोड़े हुए। अभी आपका विजिटर पास बिल्कुल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो गाड़ी को यहाँ हम सबका बनेगा? हम सबका विकास भाई से, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि विकास भाई ने MIT जयपुर में ही 2 साल नौकरी करी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो इसलिए अभी ये सब मजाक चल रहा था छोटा सा यहाँ MIT जयपुर की एंट्री पे। तो अभी ये पास बनाने जा रखे हैं, हम देखते हैं कितना समय लगाते हैं भाई। हल्के हल्के में बहुत टाइम लग गया यार, मेरे को नहीं पता था कि दिल्ली से जयपुर आने में 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब ऐसे तो 6 घंटे लग गए हमें क्योंकि हम बीच में रुके भी थे खाने के लिए, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि 4 घंटे लगते हैं। मैं पहले सोच रहा था शायद 2 से 2.5 घंटे लगते होंगे। मैं वही वेट कर रहा था, मैंने लगा कोई तो आएगा दरवाजा खोलने। दरवाजा हमने खोल दिया। आप क्यों खोल रहे हो यार? कोई अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, देखो ग्रीनरी है ना पूरा। नहीं ग्रीनरी तो है, मुझे लगा यहाँ पे अभी हमें स्वागत के लिए माला फूल लो, बिल्कुल शाम को कोई माला कोई फूल लेके खड़ा होगा। वही अरे बताओ यार, हमारा बैग भी हम खुद ही उठाएंगे क्या भाई साहब? मैं कौन है? कार्पेट रेड कार्पेट कहाँ है? मैं कौन है तुम? बताओ यार, मेरा छोड़ जाऊंगा तुम यहीं पे। कोई पिकअप करना कौन नीचे का? यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और ये देखो ये सरकारी क्वार्टर जैसे, यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ के टीचर होंगे फैकल्टी उनके रहने के लिए कमरे बना रखे हैं, और जो हमारा गेस्ट हाउस है वो ये ए ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि यहाँ रहना है हमें। आज इस पे करूंगा मैं एडिटिंग। देखो आज तक कभी टेबल चेयर पे मैंने एडिटिंग नहीं करी है, लेकिन आज करूंगा मैं। अभी फटाफट ब्लॉग एडिट किया मैंने और आराम से 2 बजे तक मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका था, लेकिन वाईफाई की इतनी दिक्कत है ना, मतलब यहाँ सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। पहले तो मेन गेट में सिक्योरिटी 15-20 मिनट वहाँ लग गया हमें एंट्री लेने में, उसके बाद वाईफाई के लिए भी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है कि ये लैपटॉप के अंदर एक मैक एड्रेस होता है, वो भेजना है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, फिर वो हमारा जो मैकबुक है उसको ऑथराइज करेंगे कि हम इंटरनेट चला सकते हैं। अब अभी तक ऑथराइज हुआ नहीं मेरा, तो अब पता नहीं कहाँ बुलाया है मेरे को, वहाँ जा रहा हूँ मैं अपलोड करने के लिए। और ये मेरे पीछे यहाँ पे आज रात जो रात का पूरा कपड़ा प्रोग्राम है या पीछे होगा। तो अभी बढ़िया खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट करने चले गए थे, उसके बाद यहीं MIT के ही कैंपस के अंदर यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, तो हमने सोचा चलो हॉर्स राइडिंग का एक एक्सपीरियंस लेके आता है, क्योंकि मैंने आज तक मतलब एक बार करी थी बहुत पहले, लेकिन उसके बाद कभी नहीं करी। तो अपने आप खुद घोड़ा चलाने वाली फीलिंग आज ले लेते हैं, देखते हैं हमारी बारी आती कि नहीं आती, क्योंकि अभी कम से कम 12-15 यहाँ पे यूट्यूबर्स आ रखे हैं, कोई इंस्टाग्रामर है कोई यूट्यूबर है, तो सबकी चांस आएगी, तो देखते हैं मेरी चांस आती कि नहीं आती। और यहाँ पे हमारे सुयश भाई जी बैठ गए हैं, उछलेगा उसी थे वजन ज्यादा हो गया सुयश भाई। मजा तो काफी आ रहा है चलाने में घोड़ा, लेकिन अपने आप चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। घोड़ा चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मेरे में ज्यादा जान नहीं है, उसके कानों तो पहुँच नहीं रही है। तो ये जो मेरे पीछे आ रहा है ना ये घोड़ा है, और जो मैं चला रहा हूँ ये घोड़ी है, और जो मेरी घोड़ी है इसका नाम है शिबा। ओ शिबा ले आओ बीच में से, ऐसे खींचू, आजा आजा
चल 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 चल, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ इसे रास बोलते हैं, और इसको खींचने में डर लग रहा है मुझे, कहीं ज्यादा तेज खींच दिया तो कहीं बिलक ना जाइए। आप सिखा दो भाई यहाँ पे। हाँ, क्या नाम है आपका? मग सिंह राठौड़। मग सिंह राठौड़। हाँ जी। अरे धन्यवाद भैया, अच्छा लगा मिलकर। हाथ तो बड़े जबरदस्त हैं आपके। क्या बात है, मजबूत हो रहे हैं। काम यही है हमारा, सही होता है, मजबूत हो रहा है, यहाँ से पकड़ना रखना मजबूरी एकदम। अच्छा अच्छा, बढ़िया। मुझे भी अच्छी है आपके, ताव दे रहा है ना, स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है भैया, धन्यवाद, अच्छा लगा मिलकर। तो हॉट सेटिंग करने के बाद हम लोग रूम पे आ गए थे बढ़िया करके, नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं। क्या लग रहे हैं? बढ़िया। चलो चलो फटाफट। आशु भाई रेडी? शैलज भाई भी रेडी? चलो जय माता दी। अभी कम से कम आधे घंटे से हमारे सामने एक ग्रुप आ रखा था द ट्रूप्स करके, उन्होंने बहुत अच्छा समा बांधा, चीख चीख के हमारे गले फट गए। बिल्कुल, मेरे छाले ठीक हो गए, चीख चीख के छाले हो रखे, गंदा गंदा खाना खाके से छाले हो गए थे, अब ठीक हो गए थे छाले भी, पर बहुत मजा आया। इसने कुत्तों से मुंह चटवाया था। और अब देखते हैं इसके बाद, डीजे नाइट, देखते हैं इसके बाद क्या होता है, पर बहुत मजा आ रहा है और बच्चे भी काफी एनर्जेटिक हैं, लगे हुए डांस कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी है, नहीं नहीं मेरे कॉलेज में भी ऐसे था, हम तो सरकारी सरकारी कॉलेज से ना, वहाँ नहीं होता था कुछ, वहाँ सीधे एग्जाम होते थे बस। कोई बात नहीं, एमिटी कसर पूरी कर रही है। थैंक यू एमिटी, थैंक यू। अगले साल फिर से बुलाना, थोड़ा बजट डबल कर देना। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक है, मैंने सुना है ई ब्लॉक पे अभी तक लाइट नहीं लगी है। और कितने लोग हैं जो इस इवेंट के बाद में ई ब्लॉक में जाने वाले हैं? ऑल द सिंगल बॉयज मेक सम नॉइस। बस बस, इनकी शक्ल उठा रहे भाई, थोड़ा धुंध उठा रहे हैं। मैं सिंगल हूं ना, शांति हो। अभी इवेंट का हो चुका है यहाँ पे समापन, और अब सब जा रहे हैं अपने कमरे में, लेकिन ये पीछे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं। और जो सर बीच में खड़े हैं, ये हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, फॉर इनवाइटिंग अस। हमारे सर ने यहाँ पे डीजे बजाया था, अभी जो डीजे बज रहा था बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, मजा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, मिलेंगे दोबारा। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो भैया थे,
तो थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक ऐसा प्लेस रखते हैं कि आपको कौन नहीं इनवाइट करेगा? नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद भाई, हमें बहुत मजा आया यहाँ पे। yes. और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे जरा। मेरा नाम पुनीत है, आई एम पुनीत बलिचवाल, और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। अच्छा। एंड एज एमिटी एक नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और यहाँ पे हमारे यहाँ उत्तराखंड से भी काफी बच्चे हैं। मुझे क्लिक हुआ कि उत्तराखंड में अगर मैं बुलाऊं तो किसे बुलाऊं, तो लाइक मैंने जैसे ही सर्च आउट किया तो सुयश पहाड़ी भेजी, दे आर डूइंग जस्ट फैबुलस जॉब ओवर देयर। सो मैंने सबसे पहले इन लोगों से बात करी एंड इन्होंने भी बिना कुछ क्वेश्चन करे डायरेक्टली हाँ कर दी एंड वी जस्ट गो फॉर इट। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। श्योर, एवरी टाइम हम इसको प्रॉपर्टी बनाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हम लोग अपने रूम पे आ गए थे बढ़िया करके नहा धो के, अब सोने की तैयारी है। और यहाँ के बच्चों के साथ डांस करने में बहुत मजा आया। तो बस आज का जो एमआईटी का सफर था वो यहीं तक था, और मेरा पहली बार था एमआईटी में, ये शायद मैंने बताया नहीं होगा आपको। इससे पहले मैं एमआईटी के कैंपस में कभी घुसा भी नहीं था, और मैंने ये भी सुना था कि जितने भी एमआईटी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, उसमें सबसे बड़ा जो कैंपस है एरिया वाइज वो सबसे बड़ा जयपुर में ही है। तो चलो फिलहाल कल निकल, तो सुबह सुबह निकल जाएंगे हम जयपुर, जयपुर बोल रहा हूँ मैं, गुड़गांव के लिए। तो अब तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये जो हमारा गेस्ट रूम था ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये बीच में देख रहे होंगे आप, ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे सोफे लगे हुए और फिर तीन कमरे हैं। एक ये पीछे वाला ये हमारा था, ये जो कल सिंगर आ रखी थी मैम उनको दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो अपने निकल गए थे जहाँ उनका घर होगा। और इस गली से अंदर भेजी और रुके हुए थे, भेजी और भेजी के बड़े भाई, मतलब काफी अच्छा अरेंजमेंट था। गेस्ट रूम बहुत अच्छे हैं और साफ सफाई बहुत है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मजे आपने लिए गेस्ट रूम में, क्योंकि सबसे ज्यादा देर तक आप बात हमने हर चीज को इम्पोर्टेंस दिए। हाँ जी, तो छूट गया लग रहा। क्या छूट गया भाई? मेरे तो अभी लंच और इवनिंग स्नैक्स भी हमारा साथ में हो गया था, सबने अपना अपना खाना खा लिया है, और इस व्लॉग का भी समापन करने का समय आ चुका है यहीं पे। तो विकास भाई से मैं एक बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि इनको थोड़ी नॉलेज है कॉलेजेस के बारे में, इन्होंने नौकरी करी है। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है अब वो एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर है और क्या फीस स्ट्रक्चर है और कितना उसे स्कॉलरशिप मिल सकता है, थोड़ा सा इसमें जरा रोशनी डालें। किसी भी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है पहले तो एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की वेबसाइट में जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। और मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि यार जो आपके 12th के मार्क्स है ना उसके बेसिस पे जो है ना स्कॉलरशिप मिलती है, तो 25% से लेकर अप टू 100% तक भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 93 या 94% से अबव है तो 100% स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के लिए आपको मिल जाएगी। तो बाकी यार डिटेल्स जो है आपको वेबसाइट पे ए टू जेड डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर्म फिल करना भी फ्री में? हाँ, मतलब अभी फॉर्म फिल करना भी फ्री है और सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो एमआईटी जयपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में आपकी स्क्रीन के नीचे भी आ रही होगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये एमआईटी जयपुर का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है लाल कलर का या फिर सिल्वर कलर का, जैसा भी कलर है उसे दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी साथ मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। और देखते हैं अब हम कहाँ जाते हैं इसके बाद, कुछ आइडिया कहाँ जाएंगे।